दोस्तों आज मैं आपके साथ में राजस्थान की स्पेशल एक चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। रोटी पूड़ी पराठा सबके साथ में बहुत टेस्टी लगती है। ज्वार की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी सबके साथ में एकदम परफेक्ट जाती है। खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। इसे जब आप खाएंगे तो आपको सब्जी, रायता, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आप अपना पूरा खाना कंप्लीट कर लेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने 1 किलो फ्रेश टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धो करके सुखा लिया है। 1 कटोरी भर करके मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन लिया है और 100 से 150 ग्राम करीब मैंने यहाँ पर अदरक ली है जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये मैंने यहाँ पर ली है लाल मिर्च, करीब 35 से 40 लाल मिर्च है जिन्हें मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। तो अब ये देखिए जो टमाटर हमने लिए हैं इन्हें हम इस तरह से 2 भागों में कट कर लेंगे। दोस्तों सर्दियों में टमाटर बहुत बढ़िया क्वालिटी के आते हैं और सस्ते भी बहुत होते हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए सभी टमाटर मैंने 2 भागों में कट कर लिए हैं। और अब हम एक फ्लैट तले का पैन लेंगे जिसे हम गैस पर रख देंगे। तो ये देखिए मैंने एक फ्लैट तले का पैन लिया है और इसमें मैं ये डाल रही हूँ सरसों का तेल। अचार चटनी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया और अब मैं ये टमाटर इसमें इस तरह से रख रही हूँ। आप चाहें तो ये टमाटर को बॉयल कर सकते हैं, लेकिन बॉयल करने के बाद में वो टेस्ट नहीं आता है चटनी में जो कि हम चाहते हैं। और दूसरा, इसे पकाना बहुत ज़्यादा देर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। इस तरह से पलटते हुए हम इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। तो देखिए फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और ये देखिए इस तरह से मैं इन्हें पलट रही हूँ ताकि इनका छिलका अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब छिलका थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तब हम इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे। तो ये देखिए इनका छिलका थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और अब इन्हें हम एक साइड में कर लेते हैं और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी अदरक हम इसमें डाल देते हैं। इसके टेस्ट को इनहांस करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें ये बिना बीज वाली इमली भी डाल रही हूँ। तो देखिए थोड़ी सी इमली भी मैंने डाल दी है और करीब 1/2 से 1 मिनट के बाद में हम इन्हें उलट पलट कर देंगे और थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। तो ये देखिए इस तरह से उलट पलट करते रहिए और थोड़ा सॉफ्ट होने दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसी समय पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद भी हम इसे इस तरह से चलाएंगे थोड़ी देर के लिए क्योंकि पैन गर्म है। और अब हमें क्या करना है, एक चिमटा लेना है और इस तरह से इनके छिलके हटा देने हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे छिलके। आप चाहें तो इन्हें किसी प्लेट में निकाल करके भी हटा सकते हैं छिलके, मुझे इस तरह से थोड़ा आसान लगता है तो मैं ऐसे ही हटा देती हूँ। ये देखिए तो बस इसी तरह से हमें सारे छिलके हटा देने हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने सारे छिलके हटा दिए। थोड़ा सा इस तरह से मैश कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के लिए अगर आपके पास में टाइम है तो पैन में ही छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इन्हें किसी दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा कर लीजिए क्योंकि पैन गर्म होता है तो ठंडा होने में टाइम लगता है। तो ये देखिए दूसरे बर्तन में मैंने निकाल लिया था इन्हें ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाए हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें ये जो मिर्ची हमने भिगो करके रखी थी इन्हें हम इसमें डाल देंगे। और मिर्ची के साथ में हम ये थोड़ा सा टमाटर जो हमने पका करके रखा है ये डाल देंगे क्योंकि एक बार में पीसने में नहीं आएगा तो हमें 2 बार करके पीसना है। ये पेस्ट हमने तैयार कर लिया है इसका और इसे अब हम वापस से उसी पैन में डाल देंगे। पैन को मैंने साफ नहीं किया था, उसी पैन में डाल रही हूँ, बचा हुआ भी हम पीस लेते हैं। दोस्तों ये जो मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ ना, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इससे इसका टेस्ट जस्ट डबल आता है। आप ट्राई करके देखिएगा एक बार, आप नॉर्मल तरीके से बना करके देखिएगा
और इस तरीके से बना करके देखिएगा, आपको दोनों का जो टेस्ट है वो डिफरेंट लगेगा। मैं जब भी ये चटनी बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि 10-15 दिन के लिए तो कम से कम मैं इसे स्टोर करके रख सकूँ, लेकिन मेरे घर में ये चटनी 3-4 दिन से ज़्यादा बचती ही नहीं है। पराठे, रोटी, चावल सबके साथ में चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके बच्चे घर से बाहर रहते हैं ना, तो उन्हें ये बनाकर कांच के जार में भर करके दे दीजिएगा, सब्जी की टेंशन ही नहीं रहेगी। तो गैस हमने ऑन कर दी थी इसे पकाने के लिए। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें, 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच करीब नमक। 1 किलो टमाटर की चटनी में 1.5 चम्मच करीब नमक लग जाता है, तो 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। और बस इस तरह से चला देते हैं और अब हम इसे पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसे पकने देते हैं अच्छे से। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एक तड़का पैन और उसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं, अगर कच्चा रह जाएगा तो चटनी में स्मेल आएगी। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1.5 चम्मच करीब दाना मेथी। बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इससे। और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर डाली है राई। दोनों चीज़ें जैसे ही चटक जाए हम इसमें डाल देंगे ये जो अदरक हमने काट करके रखी थी, थोड़ी सी हींग और ये लहसुन। हींग भी आप इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। फ्लेम मैंने अब ऑफ कर दी है और थोड़ा सा इसे पकने देते हैं, लहसुन को और अदरक को। और अब ये जो दूसरी तरफ चटनी हमारी बन रही है इसमें इस तड़के को डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तड़का हम इसमें पहले भी तो लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इस तरीके से आप ये बना करके देखिएगा, आपको टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी इस तरह से चटनी। और अब हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और अच्छे से पकने देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इससे तेल अलग हो जाएगा। जैसे जब हम मसाला भूनते हैं तो तेल बिल्कुल अलग हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से तेल अलग हो जाएगा। तब तक हम इसे पकाएंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इसे पकाने में। तो बीच बीच में चलाते रहें और इसे अच्छे से पकने दें। अगर हमें इस लहसुन, अदरक और टमाटर की चटनी को स्टोर करना है तो पकाना बहुत ज़रूरी है। आप इसे लहसुन, अदरक और टमाटर का अचार भी बोल सकते हैं। और ये देखिए, थोड़ी देर में तेल सेपरेट होने लग गया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे और पकाते हैं। और ये लीजिए, हमारी चटनी अचार बन करके तैयार है। अब आप इसे ठंडा होने दें और जब ये ठंडा हो जाए तो किसी सूखी और साफ कांच की शीशी में भर करके रख लें। ये महीने भर तो बाहर भी ख़राब नहीं होती है, और अगर उससे ज़्यादा समय के लिए आपको इसे रखना है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये चटनी की रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप प्लीज़ उन सभी को देखिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।